इस वीडियो में आप दो टू पीस सूट का जो है रिव्यू देखेंगे। ये टू पीस सूट हैं, इसमें दुपट्टा नहीं है, इसमें टॉप का कपड़ा और बॉटम का कपड़ा है, और ये दोनों ही मैंने मीशो से लिए हैं। काफ़ी कम प्राइस पर मैंने इसे लिए हैं। मीशो पर अगर हम पहले पेमेंट कर देते हैं तो काफ़ी अच्छे ऑफ़र हमें मिल जाते हैं प्रोडक्ट पर। तो ये टू पीस सूट हैं जो कि मैंने 350 रुपये के अंदर लिए हैं, मीशो से लिए हैं, और टॉप और बॉटम ही हमें इसमें मिला है। तो पहला जो है ये टॉप का फैब्रिक है, मटेरियल इसका प्योर कॉटन है, प्रिंटेड ये टॉप और बॉटम के कपड़े हैं, लेकिन अलग अलग तरीके के प्रिंट हैं। तो इसके जो टॉप के कपड़े पर है ये रबर प्रिंट है, रबर प्रिंट या चौक प्रिंट हम इसे कहते हैं। ये आसानी से धोने पर निकलती तो नहीं है, लेकिन इसे उल्टा करके हमें धोना चाहिए ताकि ये ज़्यादा टाइम तक चले। तो इसके ऊपर जो है ये मुझे भी लगा था कि ये कपड़े में प्रिंट है, लेकिन ये कपड़े में प्रिंट नहीं है बल्कि ये रबर की प्रिंट है जो कि टॉप के पूरे ही टॉप पर हमें मिली है, लेकिन बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है और इतनी आसानी से ये निकलेगी नहीं। काफ़ी टाइम तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं, बनाकर पहन सकते हैं। 2 मीटर के करीब जो है हमें ये टॉप का कपड़ा दिया गया है, प्योर कॉटन मटेरियल है, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, और इसे मैंने वॉश कर लिया है, और वॉश करने के बाद जो है ये कपड़ा थोड़ा सा भर गया है, मोटा हो गया है ये कपड़ा। इसमें हमारी जो है 37 से 38 इंच की लंबी कुर्ती आसानी से बन जाएगी, क्योंकि इसमें जो है कभी कभी हमारे पास जो है कपड़ा थोड़ा सा क्रॉस होता है जिसकी वजह से कुर्ती की लंबाई कम होती है। ये है इसकी बॉटम का कपड़ा, बॉटम का कपड़ा भी जो है वो प्योर कॉटन है, 2 मीटर का कपड़ा है, लेकिन ये रबर प्रिंट नहीं है बल्कि इसके कपड़े में ही इसकी प्रिंट है, ये डिज़ाइन बनी हुई है। तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। चाहे तो हम इसमें दोनों के ही टॉप बना सकते हैं और अलग अलग लेगिंग्स के साथ, या फिर वाइट कलर की कोई भी बॉटम के साथ हम इसे पहन सकते हैं। तो ये इसके कपड़े में ही प्रिंट है, प्योर कॉटन मटेरियल है, बहुत ही सॉफ्ट कॉटन है, और डेली वेयर के लिए तो बहुत अच्छे हैं ये सूट। और अगर इसके प्लेन दुपट्टे के साथ हम वाइट कलर के पहनते हैं तो ये बाहर आने जाने के लिए या ऑफिस वेयर के लिए भी ये सूट बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, और स्टिच होकर जब ये तैयार होते हैं और इसे हम पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत इसका लुक आता है। बहुत ही खूबसूरत से लेमन कलर में है ये, इसकी बॉटम का भी कपड़ा और इसके टॉप का भी कपड़ा। तो ये है दूसरा वाला सूट। दोनों ही सूट में दुपट्टा नहीं है, सिर्फ हमें टॉप का कपड़ा और बॉटम का कपड़ा 2-2 मीटर का मिला है। तो ये है इसकी टॉप का कपड़ा, तो इसका जो ये टॉप का कपड़ा है ये भी हमें 2 मीटर में ही दे दिया गया है। मटेरियल इसका प्योर कॉटन है, लंबाई इसकी 2 मीटर है, डबल एक्सल तक हम चौड़ी कुर्ती बना सकते हैं, और लंबाई में जो है इसकी 37 से 38 इंच की इसकी जो है कुर्ती बनेगी। बहुत ही अच्छा मटेरियल है, सॉफ्ट कॉटन है, और इसके जो ऊपर है ये प्रिंट बनी हुई है। इसके ऊपर कोई भी रबर प्रिंट नहीं है बल्कि जो प्रिंटेड फैब्रिक होता है ये उसी तरीके का फैब्रिक है। बहुत ही खूबसूरत सा इसका भी जो है बेबी पिंक कलर है, वाइट कलर की प्रिंट बनी हुई है, वाइट कलर के दुपट्टे के साथ हम इसे पहन सकते हैं। बहुत ही अच्छा मटेरियल है, सॉफ्ट है, कम्फर्टेबल है, ब्रीथेबल होता है इस तरीके का फैब्रिक, और हम इसे जो है सारा साल ही पहन सकते हैं। आसानी से जो है हम बाहर आने जाने के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के सूट। अब ये है इसकी बॉटम का कपड़ा, तो बॉटम का कपड़ा भी प्रिंटेड ही है, मटेरियल प्रिंटेड है, इसमें भी कोई रबर प्रिंट नहीं है। ये भी हमें 2 मीटर दे दिया गया है, जिगजैग इसकी प्रिंट है, और वाइट कलर में जो है बेबी पिंक कलर है ये टॉप और बॉटम दोनों का ही कपड़ा। तो हम वाइट कलर के दुपट्टे के साथ इसे पहन सकते हैं। अब इसके लिए हम सेमी पटियाला बना सकते हैं, प्लाजो बना सकते हैं, या फिर ट्राउज़र भी बना सकते हैं। इन दोनों ही सूट को मैंने वॉश कर लिया है और दोनों का ही कपड़ा जो है वो धोने के बाद भर गया है, थोड़ा सा मोटा हो गया है। तो कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है, अगर हम इसे स्टिच करवा के पहनते हैं तो काफ़ी टाइम तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं। चाहे हम डेली वेयर के लिए इसे इस्तेमाल करें या बाहर आने जाने के लिए भी इस्तेमाल करें, तो कपड़े की क्वालिटी अच्छी होने की वजह से हम इसे रफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हम रोज़मर्रा के हमारे घर के कपड़े जो पहनते हैं वो उस तरीके से। तो इन दोनों ही सूट में दुपट्टा नहीं है, सिर्फ हमें जो है टॉप और बॉटम का कपड़ा मिला है, और इन दोनों के ही प्रोडक्ट कोड जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप देखना चाहते तो इसमें कई सारे प्रिंट और कलर अवेलेबल हैं मीशो पर।